जर्नल्स लिखे हैं, खास करके मेरे फादर इन लॉ को कैंसर था, टिश्यूज का कैंसर था। उसके कारण जब उनकी पहली सर्जरी हुई तो उसके 10 डेज के अंदर उनका जो कैंसर था 10 टाइम्स वो बढ़ चुका था। सेकेंड सर्जरी जब हुई उसके बाद में हमने उनको कैंगन वाटर देना चालू किया। कुछ मंथ के बाद वो दोबारा एडमिट हुए और रिपोर्ट्स आने में कुछ टाइम लगा, ऑलमोस्ट अ वीक के लिए वो एडमिट थे। लेकिन उसके बाद में रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, उनका कैंसर अब उनके बॉडी में बढ़ नहीं रहा है, उनका कैंसर जड़ से खत्म हो चुका है। तिलना एक और बात मैं शेयर करना चाहूंगी कि हम फोर्थ फ्लोर में रहते हैं, हमारे पास लिफ्ट नहीं है, हम सीढ़ी से चढ़ते हैं। और मेरी मदर इन लॉ ऑलमोस्ट 65 ईयर्स अबव है, फादर इन लॉ 75 ईयर्स अबव है। कैंगन के पहले ऊपर चढ़ के सबसे पहले होता था कि बैठ के थोड़ी देर रेस्ट करते थे, पानी पीते थे, फिर कुछ काम करते थे। अब वो इतनी एज में भी लगातार सीढ़ी चढ़ते हैं, कैंसर के बाद भी वो अपने आप चढ़ के ऊपर गए थे और अब उनको कोई थकान महसूस नहीं होती है, सेम एज बी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।